शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद लोगों ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नूपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद देश के कई शहरों में नूपुर शर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर कोलकाता और यूपी के कई शहरों में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। हावड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलावा देवबंद, प्रयागराज और सहारनपुर में भी जमकर हंगामा हुआ। देवबंद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। यूपी समेत देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था से कहीं भी कोई खिलवाड़ ना करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सभी स्थानों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। जामा मस्जिद में प्रदर्शनकारियों ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है। जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना ही मस्जिद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि जामा मस्जिद के बाहर इस तरह का कोई प्रदर्शन होना है। उन्होंने कहा कि ना ही जामा मस्जिद की ओर से विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जामा मस्जिद चौक पर यानी गेट नंबर 1 नारे लगाना शुरू कर दिया था। ये कौन लोग हैं ये तो पुलिस पता लगाएगी। पुलिस को मालूम होगा ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये नारेबाजी की है। किसी को पता नहीं था कि मेरे ख्याल से पुलिस को भी पता नहीं था कि कोई प्रदर्शन होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।